ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट यूनिट टू. व्हाट प्रॉब्लम? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 7 आई हैव रिटन हिंट फॉर ईच क्वेश्चन. फॉर क्वेश्चन नंबर 5 द हिंट वर्ड इज ऑल. हिंट वर्ड ऑल इज गिवन. हाउ? आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. रितेश इज अ काइट मेकर. इन वन सीजन ही सोल्ड 37,043 रेड काइट्स, 42,620 ब्लू काइट्स and 27,986 green kites. How many kites did he sell in all? उसने total कितनी kite बेची? In all means total. Okay. Now I am explaining it. Number of red kites sold. उसने red kites कितनी बेची? Number of blue kites sold 42,620. Number of green kites sold 27,986. Then total kites sold. We added all these three. In question it is given that find the total kites he sold in all. Okay, you have to just add it and write in this form. And as a number of items are given, so you have to write the with first word number. In this chapter, in the word problem, I think in worksheet 3 or 4, I'll tell you how to add or subtract the number, but go through the hint words. I will give you the hint words in detail and then you will be able to solve it, and I will tell you the steps how to solve word problem. Okay, these are the questions of class 4th based. Now let's do question number 6th. If a factory produced 1,285 toys every day, how many toy cars were produced in a year of 293 working days? Fine, question कह रहा है कि एक factory 1,285 toy cars रोज बनाती है, तो वो 293 days में, लगातार 293 working days में वो कितने toy cars बना लेगी? मतलब आपको ज़्यादा का निकालना है, तो मैंने यहाँ पे already पीछे hint दे रखी है. अगर आपको वन का दे रखा, आपको आपको मैनी का निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम सेंटेंस बनाते हैं. अब नंबर ऑफ टॉय कार प्रोड्यूस एवरी डे 1,285 टॉय कार्स बनाते हैं हम, और कितने वर्किंग डेज थे ईयर में जिसकी बात हुई थी 293, और कितने टॉय कार प्रोड्यूस हुए 293 डेज में, तो दोनों को आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है. आप एक एक डिजिट लेके मल्टीप्लाई करोगे, एंड यू नो वेरी वेल कि जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ऑलरेडी 10th प्लेस पे है, तो यहाँ पे एक डिजिट आपको छोड़नी पड़ेगी. सिमिलरली जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 प्लेस पे है, तो यहाँ पे आपको 2 डिजिट है, तो यहाँ आपको 2 डिजिट छोड़नी पड़ेगी. फिर आपको फाइनल इनका प्लस करना पड़ेगा सबका. ओके, क्लियर? और हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते, मल्टीप्लाई करने के बाद हम कॉमा लगाते हैं, हम यहाँ आंसर में कॉमा लगाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इन अ ईयर राहुल अर्न 72,600 रुपीज़. वो मंथली कितना अर्न करता है? हाउ मच ही विल अर्न मंथली? ईयरली में तो आगे 72,600, वो मंथली कितना अर्न करता है? नाउ ईयरली अर्निंग और राहुल साल में कितना कमाता है? 72,600. तो वन ईयर में कितना कमाता है वो? 12 months. वन ईयर में 12 months होते हैं, तो वन ईयर में कितना कमाता है वो? 72,600. तो वो मंथ में कितना कमाता है? मीन्स इन वन मंथ. तो यू हैव टू फाइंड फॉर वन. मैंने पीछे हिंट में लिखा है, अगर आपको वन की वैल्यू निकालनी होती है तो आपको डिवाइड करनी पड़ती है. ठीक है, तो आपको 72,600 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तो यू विल गेट. अब आपको कैसे डिवाइड करोगे, कैसे डिजिट मिलेंगी? आप डिवाइड का सिंबल बनाओगे, 12 से डिवाइड करना है, 12 बाहर आएगा. जिसको डिवाइड करना है, 72,600 को डिवाइड करना है, वो अंदर जाएगा. नाउ 12 सिक्सा 72, 12 की टेबल में 6 पे जाता है 72 डायरेक्टली. फिर नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे, यानी कि एक 6 आएगा. 6 आने के बाद हमने देखा कि 12 की टेबल में कोई 6 नहीं आता, तो हमें एक दूसरा वाला 0 उतारना पड़ेगा. तो दूसरा वाला 0 उतारते ही हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 2 डिजिट उतारते हैं तो हम एक डिजिट मीन 0 ऐड करते हैं. 0 ही उतारेंगे तो 0 ही ऐड करेंगे. सॉरी, आप कोई भी डिजिट उतारोगे, बट इस 0 की जगह कोई और डिजिट होगी तो आपको यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी. फाइन,
नाउ फिर हमने ऑब्जर्व किया 12 5 60, 60 आ गया, एक जीरो बचा, तो हमने इसको नीचे उतारा। हमने यहाँ पे माइनस भी किया, तो माइनस का जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला जीरो बच गया था, ये जीरो नीचे आ गया है। जब ये जीरो नीचे आया है तो ये जीरो एक्स्ट्रा है, तो वही जीरो यहाँ पे भी लग गया है। तो जब हमने डिवाइड करा तो हमारा आया ₹6050, मतलब वो ₹6050 महीने का कमाता है। हमने मैंने आपके लिए एक रूल भी लिख दिया है कि ओनली वन डिजिट कम्स डाउन इन ईच स्टेप, एक बारी में एक ही डिजिट नीचे आएगी, दो डिजिट इकट्ठी नीचे नहीं आएंगी। ठीक है, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक्स। इन क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट पार्ट 784 प्लस 361 प्लस 426 और प्लस इज इक्वल टू 426 प्लस 361 प्लस 784। आप दोनों तरफ कंपेयर करो कौन सी डिजिट मिस है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लग रही है। आपने कंपेयर किया, यहाँ पे आपका 426 मिस था और यहाँ पे आपका 361 मिस था। तो हमने क्या करा है, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया। नाउ सी द बी पार्ट, वो कह रहा है 4935 में से क्या माइनस करूँ, आई गेट 4935। सो वी नो दैट इफ वी गेट द सेम नंबर ओनली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट जीरो, जीरो मीन्स नो चेंज। ओके, इट्स क्लियर। दीज क्वेश्चन आर ऑफ, आई एम अगेन रिपीटिंग, दीज क्वेश्चन आर ऑफ क्लास फोर्थ। ओके, सो वी आर डूइंग रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ क्लास फोर्थ। इन अपकमिंग एक्सरसाइज यू विल एबल टू फाइंड सम क्वेश्चंस ऑफ द हायर लेवल। नाउ सी पार्ट, बाय विच नंबर डू आई मल्टीप्लाई विद वन, वी गेट 846। सो द नंबर विल बी 846 टू गेट द सेम नंबर इटसेल्फ। हम वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 846 आता है तो 846 को ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट डी पार्ट, हम किससे 48 को डिवाइड करें, हमें जीरो मिल जाए तो हमें जीरो से ही डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ ई पार्ट, 386 इंटू 5000। ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जहाँ पीछे जीरोज होती हैं, आप क्या करो, पहले ऐसे थ्री डिजिट को वन डिजिट या थ्री डिजिट को टू डिजिट, जो भी है, पहले उन नंबर को मल्टीप्लाई करो। हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 1930 और पीछे के थ्री डिजिट थ्री जीरोज हमने एज इट इज यहाँ लिख दी। फाइन, नाउ एफ पार्ट, 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 25000 मिल जाए। मतलब आप देख रहे हो जीरोज एक्स्ट्रा लगी हुई है यहाँ पे, तो यानी कि मैं अगर सीधा इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी तीन जीरो आ जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई एम सेंडिंग यू द पिक्स, यू हैव टू डू इट इन क्लास वर्क।